हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलसी एस्टेट। माय नेम इज कलसी। आई एम इन टू इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 27 इयर्स एंड आई टेक माय जॉब एज सर्विंग रादर देन सेलिंग एंड आई लव गिविंग प्लेंटी ऑफ एडवाइस इन रियल एस्टेट। तो दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे कमिंग सून कोड नेम प्राइड ऑफ चिंचवड बाय साहिल आई ट्रेंड एट चिंचवड पुणे। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का एलिवेशन अभी तक आया नहीं है, पर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। तो ये प्रोजेक्ट दोस्तों 2 एकड़ लैंड पार्सल पर आ रहा है, जिसमें टोटल 3 टावर्स रहेंगे और तीनों टावर में बेसमेंट में पार्किंग होगा, ग्राउंड में पार्किंग होगा और उसके ऊपर 20 हैबिटेबल फ्लोर्स है। हर एक टावर में हर एक फ्लोर के ऊपर 3 फ्लैट है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 3, 4 एंड 4.5 BHK फ्लैट्स। इस प्रोजेक्ट में 25+ एमिनिटीज दिया गया है, तो कुछ एमिनिटीज ग्राउंड फ्लोर पर होगा और कुछ एमिनिटीज रूफ टॉप के ऊपर होगा। तो यहाँ पर 25+ एमिनिटीज दिया गया है और सारे लग्जरी एमिनिटीज है। तो यहाँ पर दोस्तों, लोकेशन मैप में अगर आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट कोडनेम प्राइड ऑफ चिंचवड यहाँ पर लोकेटेड है। इसके पास में यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज चिंचवड रेलवे स्टेशन। इस तरफ लोकमनिया हॉस्पिटल है, यहाँ पर टाटा मोटर्स है, अगेन टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, SKF इंडिया, और ये जो हाईवे आप देख रहे हैं दिस इज ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे। तो हाईवे को लगकर ही यहाँ पर कार्निवल सिनेमा है। इस तरफ पिंपरे चिंचवाड़ साइंस पार्क एंड दिस इज वेबगार स्कूल। तो प्रोजेक्ट दोस्तों बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है। इसके सराउंडिंग एरियाज पे जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ईटिंग जॉइंट्स, रेस्टोरेंट्स, सारा कुछ 0.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही अवेलेबल है। तो हेल्थ केयर में अगर आप देखेंगे तो आदित्य बिरला मेमोरियल हॉस्पिटल, लोकमनिया हॉस्पिटल, ये 2 से 7 मिनट के डिस्टेंस पर है। एल्प्रो सिटी स्क्वायर मॉल एंड फिनिक्स मॉल, ये 7 से 10 मिनट के डिस्टेंस पर है। ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे, प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशन एंड चिंचवड रेलवे स्टेशन, ये 7 से 10 मिनट के डिस्टेंस पर है। और एल्प्रो इंटरनेशनल स्कूल, SNBP इंटरनेशनल स्कूल और पोडार इंटरनेशनल स्कूल, ये अगेन 5 से 12 मिनट की दूरी पर है। तो यहाँ पर दोस्तों, मास्टर प्लान में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो लैंड पार्सल है, ये 2 एकड़ का लैंड पार्सल है। और यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज एंट्री एंड एग्जिट गेट ओवर ईयर। प्लॉट के फ्रंट साइड में डेवलपर ने कुछ रिटेल प्लाजा दिया हुआ है। ये जो पहला टावर है दिस इज ए टावर, उसके बाद बी टावर और सी टावर। तो यहाँ पर पहला डेवलपर बी और सी टावर लॉन्च करेंगे, जिसमें आप देख सकते हो हर एक फ्लोर के ऊपर ये जो प्रोजेक्शन बाहर आया हुआ है, ये एक ही फ्लैट का प्रोजेक्शन है। डैट मीन्स हर एक फ्लोर के ऊपर सिर्फ 3 फ्लैट है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे सर्कल में हर एक फ्लोर के ऊपर 3 फ्लैट है। और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ एमिनिटीज़ है, जो मेजर बड़े एमिनिटीज़ है वो ग्राउंड फ्लोर पर दिया गया है। जैसे यहाँ पर बॉक्स क्रिकेट क्लब है, दिस इज़ क्लब हाउस एरिया एंड दिस साइड इज़ ओपन स्पेस ओवर हियर। यहाँ पर टेंपल के लिए भी स्पेस दिया हुआ है और बाकी जो एमिनिटीज़ है वो रूफ टॉप के ऊपर होगा। दूसरा USP दोस्तों, अगर आप इस प्रोजेक्ट का देखेंगे, सो दिस प्रोजेक्ट इज़ वेल कनेक्टेड टू एवरी लोकेशन ऑफ पुणे। और चिंचवड के सराउंडिंग एरियाज में आप देखेंगे बहुत सारे कमर्शियल हब्स आ रहे हैं, मॉल्स हैं, प्लस रेसिडेंटल कॉम्प्लेक्स है। तो कमर्शियल हब सराउंडिंग एरियाज में आने से भी यहाँ पर प्रॉपर्टी का रेट का एप्रिसिएशन का चांसेस है। तो कॉरपोरेट प्रेजेंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टाटा मोटर्स है, मर्सिडीज बेंज, ऐसे बहुत सारे बड़े ब्रांड्स है इस लोकेलिटी में। तो कमर्शियल हब्स के आने से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के भी ज़्यादा चांसेस है। प्लस इस प्रोजेक्ट में सभी फ्लैट्स में लिविंग रूम में इटालियन मार्बल दिया हुआ है, प्लस फ्रेंच कट विंडो विद लार्ज बैल्कनी। और बड़े फ्लैट्स में जैसे 4 BHK है, उसमें बाथ टब दिया गया है बाथरूम में, और सभी फ्लैट्स को तीनों साइड ओपन मिलता है। सो इट्स अ बिगर साइज फ्लैट एंड लग्जरी फ्लैट। ग्रैंड लॉबी एंट्रेंस विद सिटिंग अरेंजमेंट, स्टर्निंग व्यू ऑफ लश ग्रीन्स। तो यहाँ पर कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं है, प्लस एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बेटर है। अदर फीचर्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सभी फ्लैट्स में होम ऑटोमेशन दिया गया है, जिसमें आपको मोशन सेंसर लाइट मिलता है, स्पेशल डिजिटल डोर लॉक, ऑटोमेटेड गीजर पॉइंट, स्विचलेस टच पैनल्स।
स्विमिंग पूल रूफ टॉप के ऊपर दिया गया है, सराउंडेड बाय वुडन फ्लोरिंग एंड सन डेक। रूफ टॉप लॉन्च होगा। इसके अलावा वेल इक्विप्ड जिम्नेजियम, सेरेनिटी स्ट्रॉल, स्टार गेजिंग एरिया, आउटडोर एक्सरसाइज लाइक योगा एंड मेडिटेशन, पार्टी लॉन, चिल्ड्रेन प्ले पार्क एरिया, मल्टीपर्पज प्ले कोर्ट, पॉडकास्टिंग स्टूडियो, प्लस फ्लैट के अंदर जितने भी फिटिंग्स और फिक्चर्स है वो सारे ब्रांडेड कंपनी के हैं। सीपी और सैनिटरी फिटिंग्स ब्रांडेड कंपनी का होगा। सो फाइनली वी कम टू द यूनिट प्लान, और यहाँ पर आप देखेंगे ये 3 BHK का यूनिट प्लान है जिसका कारपेट एरिया 1199 है। तो फ्लैट के अंदर आप देखेंगे कोई वेस्टेज नहीं है। उसके बाद ये बड़ा 3 BHK है जिसका कारपेट एरिया 1230 है। तो यहाँ पर लिविंग रूम और बेडरूम में आपको बैल्कनी मिलता है, प्लस अगेन आप प्लान देखेंगे देर इज़ नो वेस्टेज एट ऑल। 4 BHK 1641 है और 4.5 BHK 1736 है। तो यहाँ पर हाफ बेडरूम जैसे ही आप एंटर करते हो तो राइट साइड में आप देखोगे एक डोमेस्टिक रूम है। तो बेसिकली डैट रूम कैन बी यूज्ड फॉर सर्वेंट रूम, फॉर वर्क पॉड, फॉर होम ऑफिस, फॉर स्टूडियो, एनीथिंग। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे दीज आर टेंटेटिव प्राइजेस। 3 BHK starts from 1.49 CR and it goes up to 1.60 CR all in price, and 4 BHK price starts from 2 crore 3 lakh rupees and it goes up to 2 crore 8 lakh rupees all in price, and 4.5 BHK price starts from 2.18 and it goes up to 2.23 CR। तो यहाँ पर अभी दोस्तों आपको सिर्फ एक्सपेंशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट पे करना है जो कि गोल्ड टोकन डेट इज 51,000 एंड इट इज रिफंडेबल। डायमंड टोकन है डेट इज 2 lakh rupees जिसमें आपको यूनिट अलॉट किया जाएगा एंड दिस इज नॉन रिफंडेबल एंड प्लस यू गेट 2 lakh डिस्काउंट ऑन द कॉस्ट ऑल्सो। एंड फाइनली पोजिशन फॉर दिस बिल्डिंग विल बी ऑन December 2027। तो दोस्तों बुकिंग के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561 एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, एंड सी यू अगेन विद वन मोर डेवलपर, वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।